आपकी बेटियां रड़हप्पा भोग रही हैं, ये तो बहुत गलत है। तो दादा जरा सिंह ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला, जब कामयाब नहीं हुआ 18वीं बार काले वन को लेके पहुंचा, तो भगवान काले वन को देख करके वहां से रड़ छोड़ के भागे हैं। उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रड़ छोड़। बोलिए रड़ छोड़ भगवान की, रड़ छोड़ नाम पड़ा। भगवान एक प्रवर्षण नाम की गुफा में प्रवेश करते हैं, वहां मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे, जिन्होंने वर्षों तक देवताओं और राक्षसों के जो युद्ध हुआ था उसमें सहायता की थी। तो ये जगे थे, इन्हें वरदान दिया था देवताओं ने कि जाओ आप जाकर के उस गुफा में सोना, लेकिन आपको जो कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। अब ये काले बन पीछे पीछे भगवान आगे आगे हैं, तो जाए के प्रभु ने अपनो पीतांबर उतारो और मुचकुंद के ऊपर डाल दियो। जब डाला तो अब खुद तो अंदर घुस गए, लेकिन जाकर के आज वहां काले बन पहुंचा, बोला अरे कन्हैया इतनी जल्दी आया और सो भी गया, कसके लात जमाई है मुचकुंद जी में। तो जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले काले बन जल करके भस्म हो गया। भगवान बाहर आए तो बाहर देखा, पूछने लगे हैं वो राजा भगवान से, को भवा नहीं संप्राप्तो विपिने गिरी गहरे प्रत्याम्या पहला साम्या विचिरश्युम रुकंड के। महाराज आप कौन हैं, इस सुनसान जगह पर आपका आगमन कैसे हुआ? तो भगवान बोले हैं कि आप चिंता ना करो, जन्म कर्मा विधानानि संति मे यज्ञ सहस्रस्त्रः न संकमंती न संख्याम तमंतन्त्वा न्यायपिः। जवाब दिया कि मैं हर जीव में हर प्राणी में रहने वाला हूँ और हर जगह विचरता हूँ, मुझे जो जिस नाम से बुलाता है मैं उसी नाम से उसी तरीके से उसे दर्शन देता हूँ, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। दर्शन दिए मुचकुंद जी को, भगवान ने फिर कहा है आप विश्राम कीजिए। तो जरासंध ने उस गुफा के चारों तरफ आग लगवाई है, भगवान वहां से कूदे और जाकर के समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। क्या नाम है भैया? द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। ये भागवत रहस्य का प्रमाण है कि चौड़ाई है 250 कोस और लंबाई है 450 कोस। इतनी लंबी चौड़ी है द्वारिका नगरी, वहीं सब रहने लगे। तो भगवान के जो बड़े भैया हैं, जिनका नाम है बलराम, उनकी शादी आनर्ताधिपतिम श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदितः प्रादात वालियेति परोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्द की नातिन है रेवती। इनकी शादी भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुई। जब बड़े भाई की शादी हो गई, अब प्रभु की शादियां आने लगी, तो भगवान का पहला विवाह कब कैसे कहां पर और किसके साथ में हुआ है? भगवानाम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम
कहते हैं विद्वान कि भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपेति श्रुतमः। विदर्भ देश के राजा हैं, इन्हें कुंदन